दिग्विजय को पुलवामा हमला दुर्घटना लगता है। सिब्बल को बालाकोट की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस नेताओं को सेना के शौर्य का सबूत चाहिए। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कांग्रेस के नेता भी बौखलाए हुए हैं। वो लगातार भारतीय वायुसेना की ओर से हुई इस कार्रवाई के सबूत मांग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो इस कड़ी में हद ही पार कर दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमें हमारी सेना पर, उनकी बहादुरी पर गर्व है और संपूर्ण विश्वास है, हम उनका सम्मान करते हैं, किंतु पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दिग्विजय के इस ट्वीट में पुलवामा हमले को दुर्घटना बताने पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भड़क गए हैं। जो बोल रहे हैं उनको वहां पर भेज देते हैं, वो गिन के आ जाएंगे। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये कि जो आप इमेजरी करते हैं उसके बेसिस के ऊपर, जो आपके पास खबर है उसके बेसिस के ऊपर आप आंकलन करते हैं कि ये है। आतंकी घटना को आप दुर्घटना बता दें, मैं बड़े सम्मान के साथ, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी जी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे चलें। दिग्विजय ने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं, जिस पर बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। ये सब वही है जो जाकिर नायक को मानवता की बड़ी प्रतिमूर्ति बताते हैं, याद होगा आपको। ये दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। तो कांग्रेस के नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता है पूरे मध्य प्रदेश में, वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने भी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि देश पीएम मोदी का भाषण नहीं सुनना चाहता बल्कि आतंकियों की लाशें देखना चाहता है। उनकी लाशें देखकर ही शहीदों के परिजनों और देश के लोगों को सुकून मिलेगा। सिब्बल के इस बयान पर भी रविशंकर प्रसाद ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। ये साहब लंदन में जाते हैं, वहां एक रोग एलिमेंट नकाब में भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, याद होगा आपको। वहां ये सबूत नहीं मांगते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे हैं। क्या मतलब है इसका? पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी बालाकोट कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। चिदंबरम ने कहा है कि अगर सरकार चाहती है कि एयर स्ट्राइक को लेकर दुनिया को विश्वास हो तो उसे इसके लिए प्रयास करने होंगे। रविशंकर प्रसाद ने चिदंबरम को भी उनके इस बयान के लिए आड़े हाथ लिया है। गोखले साहब ने क्या कहा था? कोई सिविलियन इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन टेररिस्ट कैंप पर तो हमला हुआ था। अब इतना क्लियर बोलने पर भी चिदंबरम साहब नहीं समझते हैं। एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाने को लेकर बीजेपी ने उसके नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। बीजेपी का कहना है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने वालों को जनता चुनाव में करारा जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।